गुड इवनिंग चिल्ड्रंस, कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट करा दिया था, फैक्टराइज यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो आज हम उसी के आगे से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था और आज हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 4y² - 4y + 1। बच्चों, इसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। फिलहाल मैं आपके बुक के क्वेश्चंस सॉल्व करके बता रही हूँ, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। बच्चों देखो, इसके लिए मैं आपको एक सबसे अच्छी ट्रिक बताती हूँ कि यहाँ पर अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं, लर्न की हुई हैं आपने, तो आप पहले तो अच्छे से समझ जाएंगे। अदरवाइज आपको पता है दो ही फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वहां पर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि सारे के सारे साइन किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में कैसे होते हैं, पॉजिटिव। लेकिन अगर माइनस आ रहा है, यहाँ पर देखो माइनस का साइन आ रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है यहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होने वाला है। क्योंकि ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जहाँ पर एक साइन निगेटिव हमें मिलता है। ये कैसे ओपन होता है, ए स्क्वायर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूर अलग तरीके से आपको लिख के समझा रही हूँ, प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का साइन के साथ आपका क्या होता है, 2ab। इस तरीके से आपका फॉर्मूला होता है ना। तो इसी फॉर्म में हम इस फॉर्मूले को लाने की कोशिश करेंगे, इस इक्वेशन को लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है, दैट इज 4y² - 4y + 1, है ना बच्चों, ये हमारी इक्वेशन है। तो इसी फॉर्म में हम देखते हैं कि क्या ये आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहली बात, 4y को हम लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4y को लिख सकते हैं 2 × 2y, और इंटू अगर मैं इसमें 1 लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एंड प्लस 1 के स्क्वायर को, 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, क्यूब भी लिख सकती हूँ, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वॉट इज ए, ए रखा है 2y एंड b की जगह पर है 1। तो ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला किसका बन रहा है, a माइनस बी की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो, 2y - 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वेरी सिंपल, x² - y² / 100। आप सब इनको सॉल्व करेंगे, अपने हाथ से लिखेंगे, लिखकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी आपको अच्छे से आएगा। अब यहाँ पर देखो, फिर से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x² - y/100। किसका होल स्क्वायर होता है बच्चों, 10 का, तो y/10 का। अब अगेन अगर हम इसको कंपेयर करें तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पर हमारी, a² - b² = सकते हैं हम इसको, a + b एंड a - b, है ना। ये तो सबसे सिंपल आइडेंटिटी है, मुझे सबसे अच्छा यही लगती है, x² - y/100 होल स्क्वायर। सो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो a की जगह पर x है और b की जगह y/10, तो बस हमें वही करना है, a यानी कि x + b यानी y/10, एंड नेक्स्ट इज x - y/10। क्वेश्चन इज डन, इट इज वेरी सिंपल, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज करनी है, वो ध्यान देना है। देखो बच्चों, अगर स्क्वायर के फॉर्म में कोई भी फॉर्मूला होता है तो वहां पर सिर्फ 3 ही टर्म्स होते हैं, है ना, 1, 2 एंड 3। और a² - b² के केस में तो आपको सिर्फ 2 ही टर्म मिलेंगे, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा अगर अटेंटिव रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे भी ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, फॉर्मूले अप्लाई करना है और बस आंसर लिखना है। चलो फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी। अगेन जैसे मैंने कहा था, इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चंस हमको आइडेंटिटी यूज करके ही करने हैं, तो वही काम हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, पहले तो मैं आपको इसकी आइडेंटिटीज याद दिला देती हूँ। हमारी यहाँ पर 3 टर्म्स की आइडेंटिटी यूज होने वाली है, दैट इज a + b + c का होल स्क्वायर, और आई कैन से x + y + z का होल स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी क्या थी हमारी, आइडेंटिटी कुछ ऐसे थी, x प्लस वाई
प्लस जेड, अगर कोई भी और हमें उसका होल स्क्वायर करना है, देन व्हाट वी विल राइट हियर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, है ना? सिंपल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टाइम में हमें इन तीनों का स्क्वायर करके सम में रख देना है, एंड देन सेकेंड टाइम में ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, प्लस ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म एंड फर्स्ट टर्म. याद करना भी बहुत ईजी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड टू वाई जेड टू जेड एक्स, है ना? तो इसी इक्वेशन को अप्लाई करना, और यहाँ पर ध्यान ये देना है इन केस कहीं पर इक्वेशन में आपको ये टर्म निगेटिव मिले, आपका वाई निगेटिव है या एक्स निगेटिव है, कोई बात नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि निगेटिव टर्म का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये वाले जो तीन टर्म है वो इसी फॉर्म में रहेंगे, बस चेंजेस कहाँ पर आ जाएंगे? इन टर्म्स में. मान लीजिए आपका वाई निगेटिव है तो ये निगेटिव टर्म हो जाएगा, जहाँ कहीं पर भी वाई यूज हुआ है ये टर्म भी निगेटिव हो जाएगा. अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, वहां पर समझ में आ जाएगा. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. तो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, हमें इसको एक्सपेंड करना है. तो सिंपल, हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर. बच्चों पहले क्या करो, इसको जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आप लिखिए, ताकि एक स्टेप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको आंसर गलत नहीं होगा. प्लस माइनस के वाई का स्क्वायर प्लस जेड. देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, माइनस के वाई का स्क्वायर लिखा है ताकि आपको समझ में आए. यहाँ पे हमारा वाई निगेटिव था ना, तो हमने क्या किया, वाई को निगेटिव रखा है. अब बाकी कम टर्म्स में भी हम यही करेंगे, टू इंटू एक्स की जगह पर क्या है हमारा, टू एक्स, तो टू एक्स रख दिया. इंटू वाई की जगह पर क्या रखना है, माइनस का वाई, तो मैंने ब्रैकेट लगा के रखा है, प्लस टू एक्स सॉरी वाई, तो वाई अगेन निगेटिव है तो वाई निगेटिव, इंटू जेड प्लस टू जेड एक्स, तो टू इंटू जेड इंटू एक्स की जगह पर टू एक्स. बस ये हमने सारी की सारी वैल्यूज रख दी हैं. अब टू एक्स का स्क्वायर कितना होगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के वाई का स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. अब यहाँ देखिए बच्चों, ये y निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो माइनस और प्लस का इनटू क्या होता है, माइनस, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है. टू टू जा फोर एक्स वाई, अगेन यहाँ पर देखिए माइनस और ये प्लस, दोनों मिलके बनेंगे माइनस और टू वाई जेड एंड यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे दोनों प्लस में है तो प्लस के टू, सॉरी टू टू जा फोर जेड एक्स. तो यार देखो, मैंने सेकेंड क्वेश्चन इसीलिए आपको सॉल्व करके बताया, क्योंकि निगेटिव टर्म होने से कौन किन पे चेंज किया यूज हो रहा था, बस वही टर्म्स कैसे हो गए निगेटिव. यही एक्सपेंड करते समय भी ध्यान रखना है कि जो टर्म निगेटिव आ रहा है उससे रिगार्डिंग सारे के सारे टर्म्स कैसे हो जाएंगे निगेटिव, अदरवाइज फर्स्ट के थ्री टर्म्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो ईजिली आप कर लेंगे इनको, है ना? करते हैं इसी का थर्ड पार्ट. फर्स्ट आप लोग मुझे करके बताएंगे कि आपसे हुआ या नहीं हुआ. बहुत सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, इसीलिए मैं छोड़ रही हूँ. यहाँ पर क्या है, थर्ड में माइनस का 2x. अब देखिए यहाँ पे माइनस का 2x आ गया है, कोई बात नहीं. 3y प्लस 2z, हमें इसका ब्रैकेट ओपन करना है, होल स्क्वायर खोलना है. तो हमारा फॉर्मूला वही है, ए स्क्वायर मीन्स माइनस के 2x का स्क्वायर प्लस b square means 3y का square plus z square यानी कि 2z. याद रखिए जो values दी हैं उन्हीं का square करना है. अब plus क्या रखते थे हम, 2xy यानी कि 2 first और second का multiply, तो plus sign लगा दिया है मैंने यहाँ पे. 2 first term क्या है हमारा, minus का 2x, है ना? और इसी के आगे third term क्या है हमारा, sorry second term क्या है, 3y प्लस टू वाई जेड, तो वाई इंटू जेड, टू इंटू थ्री वाई इंटू टू जेड प्लस टू इंटू टू जेड
और माइनस की 2x, जहाँ कहीं भी माइनस होगा वहाँ हमें ब्रैकेट लगाना है, ताकि ध्यान रहे कि हमें साइन चेंज करना है, नहीं तो गलती हो सकती है। यहाँ पर क्या होगा, 4y² सॉरी 4 3 का स्क्वायर होता है 9y² 4z². अब यहाँ पर फिर से देखो, माइनस प्लस माइनस 2 × 2 4 और इंटू 3, 4 3 12 xy प्लस 2 2 4 3 12 yz एंड अगेन माइनस प्लस माइनस 8 zx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, फिर से x टर्म हमारा यहाँ पे निगेटिव था, तो x से जो जो टर्म्स जुड़े हुए थे वही निगेटिव हुए हैं, बाकी सारी इक्वेशन सेम डिक्टो वही है। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैंने छोड़ दिए हैं, वही 1 मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, 4 छोड़ा हुआ है एंड यस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो को बता वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6। मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है तो मैं उसका सोल्यूशन बता देती हूँ, अदरवाइज आप लोग अपनी नोटबुक में इसको खुद करेंगे एक बार। पेन कहाँ चला गया इसका, क्या हुआ इसके साथ, पेन गया क्या? सॉरी बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर से करेंगे वही काम, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मींस 1/4a का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देन नेक्स्ट इज 2 × 1/4a इंटू माइनस 1/2b, ठीक है, प्लस 2 × माइनस 1/2b इंटू जेड इज 1 प्लस 2 × 1 × 1/4a। सारे के सारे हमने वही रख दिए, x² + y² + 2xy 2yz 2zx। ओके, अब करते हैं सॉल्व। सो 1/4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 1/16a² + 1/4b² एंड 1 स्क्वायर इज 1। अब यहाँ पर देखिए ये 2 से, कलर चेंज करके आपको समझाती हूँ, ये 2 जो है डिनोमिनेटर में इस 2 को कट कर देगा एंड यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1/4a, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये 2 इस 2 को देगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का b, 2 से ये 2 2 जो 4 कट हो जाएगा, बचेगा 1/2a। सो व्हाट इज अवर 1/16a² + 1/4b² + 1 - 1/4a - b। प्लस 1/2a। नाउ अगेन इफ यू वांट टू सॉल्व यू कैन सॉल्व इट मोर, 1/4a एंड 1/2b, सॉरी a को आप सॉल्व कर सकते हैं फिर से, अगर आप चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पे a एंड b, b मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है आई थिंक, यस b, यहाँ पर b होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत इजी है, तो मैं एक बार आपको सारे फॉर्मूले बता देती हूँ जो हमने यूज़ करने हैं। आप लोगों ने लर्न किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो आप फिर से उनको लर्न कर लीजिए।
यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने यूज किया था अभी वो था हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। नेक्स्ट इज आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम करेंगे क्यूब। तो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था एक्स प्लस वाई का, व्हाट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इन ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस सॉरी थ्री एक्स वाई स्क्वायर। यानी यहीं से एक और नया फॉर्मूला निकल के आता है, इन केस सपोज नीड एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब। यहीं से एक्स वैल्यू चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, देन व्हाट वी विल डू इज ये है इसको हम क्या करेंगे LHS में ट्रांसफर कर देंगे। सो एट एक्स प्लस वाई होल क्यूब, ठीक है, हमें ये टर्म ये वाला टर्म हमें चाहिए तो हम इसको इधर ही रखेंगे एंड बाकी के से जुड़े हुए टर्म्स को हम क्या करेंगे LHS में भेज देंगे। सो ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइन था ना, यहाँ पे इधर हो जाएगा नेगेटिव थ्री एक्स वाई एक्स एक्स प्लस। तो यहीं से एक नया फॉर्मूला ये आपका निकल जाता है। और तीसरा जो फॉर्मूला है वो सेम टिकटो इसी के जैसा है, बस माइनस के चेंजेस हो जाने हैं। दैट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एंड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। सेम वे वी कैन राइट इट अगेन, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई and this minus and minus will become plus 3xy square. In case if I want x cube minus y cube, then I can write it x minus y whole cube plus इस पूरे term को हम क्या करेंगे LHS में भेज देंगे 3xy x माइनस वाई। ये मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे, एक बार फिर मैंने समझा दिए। तो ये वाले जो फॉर्मूले मैंने भी लिखे हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे आपके फॉर्मूले, इनको याद कर लीजिए लर्न कर लीजिए। इसी के बेस पे है आपका सेकेंड सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। देखो बच्चों अभी हमने क्या किया था, अभी हमने एक्सपेंड फॉर्म में रखा था, मीन्स आइडेंटिटी अप्लाई करके एक्सपेंडेशन किया था। अभी हम क्या करेंगे फैक्टर्स की फॉर्म में लाना है हमें। तो फैक्टर्स की फॉर्म में भी तभी हम ला सकते हैं जब हमें फॉर्म याद हो, है ना। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी ज़रूर, तब तक आप ये फॉर्मूले लर्न कीजिए। और यस बच्चों ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि जो कोई सीखना चाहता है वो सीख सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक भी स्टेप मैं मिस नहीं कर रही हूँ, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रही हूँ। तो आपको भी समझ में आएगा और जिनको नहीं आ रहा है वो भी इसको देख कर सीख सकते हैं, है ना बच्चों। चलो ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। बाय।